लेकिन मेरे प्यार माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली री कैप वॉट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है और फिर आपने उनको आंसर करना है क्विकली टेल मी हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स और रूड्स हादसा से कैसे बचा जा सकता है बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स वेरी गुड एंड वाई शुड बी अवॉय ट्रैफिक रूल्स क्यों हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बनाए next is how does red light uh, signal what does red light signal means it means to stop very good and what does yellow traffic signal means it means to get ready okay and what does green traffic signal means it means to go very good okay my dear students so in today's lecture the students will be able to identify the safety rules आइडेंटिफाई द सेफ्टी रूल्स दे शुड फॉलो वाइल वॉकिंग ऑन द रोड क्रॉसिंग रोड ट्रैवलिंग बाई अ बस एट्सेट्रा सो माई डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बच्चे वो चीज़ें सीखेंगे कि जब वो फिजिकली खुद रोड पर मौजूद होते हैं या गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं तो उन्हें कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखना चाहिए रोड पर कौन कौन से सेफ्टी मेयर्स हैं जो उनको अपनाने चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर शो माई डियर स्टूडेंट सम्री रीडिंग क्वेश्चन लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि जब भी आप रोड पे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या गार्डियंस के साथ या किसी भी बड़े के साथ यू आर ऑन द रोड वॉकिंग ऑन द रोड और ट्रेवलिंग आपको कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में रखनी है यू नीड टू स्टॉप लुक लिसन एंड थिंग जब आप इन चारों चीजों का ख्याल रखेंगे आप रुकेंगे आप देखेंगे उसके बाद आप सुनेंगे और इसके बाद आप सोचेंगे तो आप बेहतर तरीके से रोड पे परफॉर्म करेंगे अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीचर इतना ज्यादा क्यों कहे जा रही हैं कि बार बार हमें रुकना है हमें देखना है हमें फिर चलना है देखें जब आप रुकेंगे और आप देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि ट्रैफिक किस रुख से आ रही है इसके अलावा जब आप सोचेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी हॉर्न दे रही है या गाड़ी जो है वो कोई इंडिकेटर दे रही है तो आप इन तमाम चीजों को गौर से देख सकेंगे फिर उनके बारे में सोच सकेंगे और फिर आप सोच के आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब आसान अल्फाज में यह है कि जब भी आपने रोड पे होना है तो आपने अपनी आंखों को और कानों को और दिमाग को खुला रखना है कहीं और ध्यान नहीं देना ओके माई डियर स्टूडेंट तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वट आर वेज वी कैन टेल इफ ट्रैफिक इज कमिंग यानी कि ट्रैफिक आ रही है तो आप इसके बारे में कैसे बता सकते हैं सुन के देख के है ना ऐसे ही बता सकते हैं ना वेरी गुड ओके हाउ शुड बी बिहेव ऑन रोड केयरलेसली बिहेव करना चाहिए या हमें केयरफुली बिहेव करना चाहिए वी मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑन द रोड्स ठीक है और आपको जिम्मेदारी भी रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए रोड पे वेन एवर यू आर ऑन द रोड वॉकिंग और ट्रेवलिंग ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाव इज द टाइम फॉर रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर सिक्सटी सिक्स इन यू जी के बुक्स

आपने कभी भी रोड पे भागना नहीं है इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने देखना है सुनना है उसके बाद सोच के आपने रोड को क्रॉस करना है ओके सो डू नॉट रन ऑन रोड डू नॉट रन ऑन रोड नेक्स्ट अ गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम द जीब्रा क्रॉसिंग सो so, हमने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जीब्रा क्रॉसिंग दिखाई थी जो स्कूल के पास बनी थी और बच्चे वहां से रोड को क्रॉस कर रहे थे सो so, ये येब्रा क्रॉसिंग जो है ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है और यहीं से हमेशा लोगों को चाहिए कि वो सड़क को क्रॉस करें ठीक है आपने दूसरी तरफ सड़क के जाना है तो हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग की ऑप्शन जो है वो आपके लिए होनी चाहिए जहां से आप जीब्रा सड़क को क्रॉस करें सो ये बिल्कुल ठीक तरीका है रोड को क्रॉस करने का यूज zebra crossing while crossing the road. अब zebra crossing को zebra crossing क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर white और black patches होते हैं just like इन्हीं के जो zebra का print होता है तो बिल्कुल उसी तरह black और white lines होती हैं road पे जिन इसी वजह से इसको zebra crossing कहा जाता है crossing का मतलब आप यहाँ से road cross कर सकते हैं In the next picture you can see a boy is walking on the footpath. तो क्या ये तरीका ठीक है जी हां यह तरीका बिल्कुल ठीक है हमेशा कोशिश करें कि सड़क के ऊपर नहीं चलना यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द रोड्स यू मस्ट ऑप्ट वॉक ऑन द पेडेस्ट्रियंस और ऑन द फुटपाथ उनको कहा जाता है और वो पैदल चलने वाले अफराद के लिए ही बना जा बनाया जाता है ताकि वो सेफली वहां चल सके क्योंकि वहां कोई ट्रैफिक नहीं होती ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ फुटपाथ so the next is a boy is looking out of the window he is not just looking out of the window his head is also out of the window हमेशा जब भी मैं छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे फादर मुझे कहते थे कि चलती गाड़ी से सर बाहर नहीं निकालना और बाजू भी बाहर नहीं निकालना क्योंकि आपके आस साथ से तेजी से ट्रैफिक गुजरती है और हो सकता है कि योर हेड और हैंड बम्प इनटू इट तो ये बिल्कुल गलत तरीका है आपने ऐसा कभी नहीं करना इससे बहुत स्वेर एक्सीडेंट हो सकता है डू नॉट टेक योर हैड और हैंज आउट फ्रॉम द बस डू नॉट टेक योर हैड और हैंज आउट फ्रॉम द बस नेक्स्ट इज अ बॉय इज रनिंग आउट ऑफ द बस यानी कि वो चलती हुई बस से नीचे उतर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है आपने हमेशा बस के रुकने का इंतजार करना है डोर ओपन होने का इंतजार करना है देखना है सुनना है कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही देन यू विल वॉक आउट ऑफ द बस डू नॉट आउट ऑफ द मूविंग वहीकल से चलते हुए वहीकल से आपने बाहर नहीं उतरना फॉलो ऑल द गिवन रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ तो आपने इन तमाम रूल्स को फॉलो करना है ताकि आप अपने आप को महफूज रख सके अब ये तो कुछ ट्रैफिक रूल्स थे सेफ्टी रूल्स थे जो आपकी बुक में गिवन है देर आर सम अदर रूल्स विच यू मस्ट फॉलो वेन यू आर ऑन रोड जब भी आप गाड़ी में या बस में सफ़र कर रहे हैं आपने कभी भी ड्राइवर को मोबाइल फ़ोन पे बात करने नहीं देनी अगर कोई कर भी रहा है तो आपने पोलाइटली उसके पास जाना है और तमीज़ से रिस्पेक्टफुली आपने उनको कहना है कि प्लीज डू नॉट टॉक ऑन द फोन ये हमारे लिए और आपके लिए दोनों दोनों के लिए खतरे का बाइस है उसके अलावा आपने हमेशा जो है देख के सोच के आ, सुन के जो है सड़क को क्रॉस करना है जीब्रा क्रॉसिंग से इसके अलावा सीट बेल्ट सब पहननी है चाहे वो फ्रंट सीट पे बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे हैं या बैक सीट पे हैं ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट फॉर योर सेफ्टी एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग ऑन द साइकिल तो आपने अपना हेलमेट जरूर पहनना है ताकि खुदाना खास्ता अगर आप गिर जाते हैं तो आपको हेड इंजरी जो है वो ना हो इसके अलावा अगर आप मोटर बाइक पे पीछे किसी के बैठ के सफर रहे हैं तो हमेशा आप अपने बड़े से दरख्वास्त करें उससे रिस्पेक्टफुली कहें पोलाइटली कहें कि प्लीज वेयर योर हेलमेट दिस इज फॉर योर सेफ्टी ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर वेल्यूएशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शेयर एनी थ्री ट्रैफिक रूल्स कोई से तीन ट्रैफिक रूल्स मुझे बताएं वेरी गुड शुड वी प्ले ऑन रोड्स नो वेरी बैड कभी भी रोड पे नहीं खेलना वेन शुड वी यूज जीब्रा क्रॉसिंग वेन वी आर क्रॉसिंग द रोड शुड बी यूज द फुटपाथ वाइल्ड वॉकिंग यस वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द फुटपाथ वॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग ट्रैफिक रूल्स To keep everyone safe should we jump out of a running bus no very bad never jump out of a moving vehicle should we take our hands out of the moving car that is also wrong never take your head or hand out of a moving car okay my dear students so now is the time for practice for which you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher write down your name and your uh, class and then start working on it so here is a word bank given and here are some sentences which you need to finish always cross the road at zebra crossing number one they never use dash while driving never use your mobile phone always put a seat belt while dash in the car while traveling in a car stay dash in the car स्टेक क्वाइट इन द कार शोर नहीं मचाना कभी भी क्योंकि ड्राइवर जो है वो डिस्टर्ब होता है नेवर पुट योर आर्म्स डैश ऑफ अंगकल आउटसाइड ऑफ अ मूविंग वहीकल डू नॉट डैश ऑन रोड डू नॉट रन ऑन रोड नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ सो दिस इज हाउ यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल कंप्लीट द वर्कशीट आई होप एवरीबडीज डन इट नॉलेज क्विकली मूव फॉरवर्ड टू वर्ड दिक्चर है पेज नंबर ओके सो हेयर आपको ग्रीन यस के लिए करना है और रेड जो है वो नो के लिए करना है आपको मुख्तलिफ सीनारी गए हैं सो सबसे पहले फर्स्ट वन इज यहां लिखा है नो यू टर्न एंड दिस कार इज टेकिंग इट करेक्ट और नो This is wrong. So I will put red colour in the box. Okay. So no parking. This is the sign for no parking. Any And the car is parked here. Is it correct or wrong? This is no. S in nahi always follow the traffic rules. The boys are running on the road. This is this right or wrong? This is wrong. Now the boy is crossing the road from the zebra crossing. This is correct. So I will put green colour in it. Okay, next is the boy is moving on the footpath, that is also correct. The boy is looking out of the window of the car, that is wrong. So, you will put red color in it. So, pause the video and quickly finish your book page. I hope everybody has done it. Now, let's quickly move forward towards your homework. For homework, you will do home activity given on page number 66. This is home activity number one.

Independent activity. Ask your parents the following questions, listen to them carefully and write the answer. Why should we wear a helmet while riding a bike? So we must not have a head injury if we will fell down. And why is there zebra crossing on the road? To cross the road. And why do people use footpaths while walking on the road? So they are for the walking person and there is no traffic on the footpaths. That's why we must walk on the footpath. And

और आपने सेफली अपने आप को भी रखना है और दूसरों को भी सेफ रखना है। हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच अनुज